पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते मनुष्य जीवन में बहुत तरह के प्रभाव और दुष्प्रभाव पड़े हैं। कई पक्षों से इस काल के दौरान यहाँ परिवारों के बीच लगाव, मिलकर बैठने की भावना, इंसानियत के गुण इत्यादि विकसित हुए। वहीं इसके दुष्प्रभावों में बेरोजगारी, बीमारियां बढ़ी हैं। उनमें से सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों की शिक्षा के ऊपर पड़ा है। बच्चे जो कि स्कूल में जाकर पढ़ने लिखने के सिवा जिंदगी जीने के तौर तरीके भी सीखते थे, इन 2 सालों में लगातार स्कूल से दूर रहने के कारण पढ़ाई लिखाई तो छूट ही गई, बल्कि उनके साथ साथ बच्चों में जो सहयोग, समान नियोजन, त्याग व दोस्ती की भावना धीरे धीरे स्कूल से दूर रहने के कारण कहीं गुम सी हो गई। बच्चे अब ना केवल अकेले रहकर प्रसन्न रहते हैं, उन्होंने मोबाइल टीवी को अपना दोस्त बना बाकी रिश्तों से दूरी कायम कर ली। उनमें शर्माना, झिझकना, शोषण होना जैसे गुणों की कमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। आज इसी विशेष मुद्दे पर जब डायसिस ऑफ अमृतसर के प्रमुख बिशप डॉक्टर प्रदीप कुमार समंता राय से पब्लिक दिलासा ने विशेष भेंट की, तो आइए सुनते हैं उनसे इस कोरोना काल के दौरान व्यक्ति और बच्चों के जीवन में आए हुए बदलावों का विवरण। हाँ जी सर, आप बताइए कि पिछले 2 साल से जब से ये कोरोना काल चल रहा है, लोगों को परेशानियाँ भी रही हैं, लोगों को घर पे बैठना पड़ा है, बच्चों की नेचर में कुछ चेंजेस आए हैं, आप कुछ बताइए कि आपने इन दिनों ये जो समय बीत रहा है या चल रहा है इसके ऊपर क्या क्या देखा है? मैं सोचता हूँ कि हमने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया भी है, तो अभी मैं जीवित हूँ, तो नंबर वन कि मुझे रिकॉग्नाइज करना है कि ये जीवन ये एक खुदा का दान है, और उसके पीछे खुदा का क्या उद्देश्य है। लाखों लोग मर गए तो खुदा मुझे जीवित रखा है, तो कि एक पर्पस तो होगा ना, सो व्हाट इज द पर्पस इन गॉड कीपिंग मी अलाइव। तो ये नहीं कि एक बार, मैं तो सुबह पहले जैसे कि उठ के प्रार्थना करता था, थैंक यू गॉड फॉर द न्यू डे एंड थैंक यू फॉर कीपिंग मी अलाइव। मैं उसमें और एक सेंटेंस जोड़ दिया है कि खुदा मुझे तू जीवित रखा है, तो तेरा उद्देश्य क्या है, आज मुझे बता कि आज मुझे क्या करना है। तो आज आज है, कल काल होगा, दैट इज नंबर वन। नाउ इस कोविड के वजह से एटलीस्ट 2 साल से ज़्यादा जो है उसका ट्रेमेंडस इम्पैक्ट सबके ऊपर आया है, एंड आई थिंक द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट इज ऑन द फैमिलीज। बच्चों का देखिए, पीपल हैव रियली श्रंक, बच्चों की तो बात ओके छोटे हैं, उनकी इतनी समझ है नहीं, तो उनको ये मौका नहीं मिला कि जो स्कूल में जाकर वहाँ खेलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, फिर फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये जो जीवन का एक आप कहते हैं कि साइकिल, वो तो रुक गई। सो नाउ इट इज नॉट ओनली दैट वी हैव लॉस्ट टाइम, वी हैव लॉस्ट पार्ट ऑफ अस। और बच्चों को जैसे कि समझना चाहिए हमें और हैंडल करना चाहिए, शायद हम भी इजी वे ले लिया कि उनको मोबाइल पकड़ा दो, टीवी टाइम दे दो जी। तो वी हैव इन सम वे कंट्रीब्यूटेड टू चिल्ड्रंस लूजिंग रादर गेनिंग बिकॉज वी हैव चोजन द इजी वे। सो अभी जो हमें, मैं सोचता हूँ कि हमें करना है, क्योंकि खुदा हमें एक मौका दे रहा है। नंबर वन इज रिट्रोस्पेक्ट, कि हम एक रिव्यू करें, रिट्रीट करें। रिट्रीट का मतलब वी हैव टू काइंड ऑफ टेक अ पॉज एंड देन वी हैव टू ऑल्सो सी दैट आज के दिन में हमारी स्थिति क्या है, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली मैं कहाँ हूँ, ओके, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे मुझे मुक्ति चाहिए। हम दुनिया की मुक्ति के लिए सोचते हैं कि हमारी मुक्ति होगी, मैं तो सोचता हूँ कि कभी कभी मैं इतना ब्लाइंड हो जाता हूँ, अपने आप में इतना मैं एंगेज्ड हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है कि किसी किसी का मैं सुनूँ ना किसी को समझ सकूँ। मेरे साथ इतने जो साथी काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ कहता हूँ कि ये तूने क्यों नहीं किया, ठीक है, तो बेचारा चुप रहता है। Have I ever tried to understand
कि हो सकता है कि उसके लिए कोई परेशानी है, वो बेचारा बता नहीं पा रहे डर डर के मारे। सो आई थिंक वी ऑल नीड सम काइंड ऑफ रिलीज, क्योंकि देयर इज नंबर वन। सो खुदा से हम मांगे द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। ये सिर्फ नॉलेज से नहीं होता है, बट ये एक खुदा हमें देता है, एक शक्ति देता है, समर्थ देता है कि हम अंडरस्टैंड करें। तो नॉलेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग कुड बी डेंजरस। नंबर टू की रिविजन, री हाइफन विजन, कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, तो मेरा आगे के लिए क्या विजन है। और ये जो विजन, दिस इज डायनामिक। ये नहीं कि एक बार मैं कागज़ में लिख लिया कि दिस इज माई गोल, बट समथिंग दैट आई हैव टू रिविजिट एवरी टाइम। और उसमें विजन जो जनरल मेन विजन हो तो चेंज नहीं होता है, बट उसके जो उसको हमें फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, और जिसके लिए हमारे आंखें खुली होनी चाहिए, कान में हम सुनेंगे और सोचेंगे। सो जो भी हम सोचते हैं, देर आर थ्री एच वी शुड यूज। वन इज हेड, हेड से हम सोचते हैं, दैट शुड कम डाउन टू हार्ट, अनदर एच हार्ट, मेरा दिल क्या कहता है। दिल कभी झूठ नहीं बोलता है, तो खुदा हमारे दिल में बात करता है, तो हम खुदा की आवाज़ को सुनी। थर्ड थिंग, वो सुनकर मैं हैंड का यूज नहीं किया, तो थर्ड थिंग इज एक्शन। ओके, खुदा का प्यार, खुदा की जो भी कार्य, उसको हम देखकर जो सोचते हैं, उसको दिल में महसूस करते हैं, वो हमें प्रोत्साहित करता है कि आगे जाकर हम कुछ करें। एक्शन, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। तो जो भी हम विश्वास करते हैं, उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्शन में। एंड सो देयरफॉर द थर्ड आर इज रिफॉर्म, कि कुछ बदलाव आना चाहिए। मैं आज ऐसे बातचीत कर रहा हूँ, जब सब बातें मैं समझ जाऊँगा, मेरे आचरण में, व्यवहार में, लोगों के साथ जैसे मैं संपर्क बनाता हूँ, लोगों के लिए जो मैं करता हूँ, उसमें भी चेंज आना चाहिए। तो आई थिंक बेसिकली गॉड इज़ गिविंग एन अपॉर्चुनिटी कि हम इस रिव्यू करें अपनी स्थिति को, रिविजन करें और खुद बदलें, ताकि वी बिकम एन एजेंट ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो उसमें पेरेंट्स का रोल है, क्योंकि वी हैव एज आई सेड कि प्रॉब्ली हम उतना टाइम नहीं दिया अपने लिए, एक दूसरे के लिए, और ख़ासकर हमारे बच्चों के लिए। बच्चे इरिटेट होते हैं, वो इतना जीत बन गए हैं, नेचुरली दे आर कंप्रेस्ड, तो कितना प्रेशर वो लेंगे। तो इफ वी अंडरस्टैंड एंड वो उनकी जो एनर्जी है, उसको हम ठीक से रिलीज करने में सहायता कर सकें, थिंग्स विल चेंज, नो डाउट। एंड दिस इज व्हाट इज आई थिंक डजंट मैटर। हम सब डेफिनेटली खुदा में विश्वास करते हैं, पीपल ऑफ एनी रिलीजन। आई डोंट थिंक देर इज एनी डिफरेंस, देर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस रादर इन द वे ऑफ थिंकिंग। एंड ये हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, फिर तो समझ बदलेगा। सो दिस आर सम द बेसिक थिंग आई थॉट आई वुड शेयर विद यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस क्रूशियल समय के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर।